मत मिल जाएगा जितना आपको खाना कर देंगे। अपना फ्राई हो रही है, टमाटर शामिल करेंगे अब हम, क्योंकि टमाटर जो है जल्दी गल जाए, अभी वो बेहतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से हम भी ठीक ठाक एकदम फिट फाट से बिल्कुल हाजिर हुए हैं आज एक नए ब्लॉग के साथ। आज हम बनाने वाले हैं गांव के सादा आलू की टिक्कियां, और बस अब हम ब्लॉग शुरू करते हैं। शुक्रिया। तो चलें सबसे पहले हम टमाटर काट लेते हैं। आज मुझे कोठी से आने वो काफ़ी देर हो गई, वैसे तो मैं जल्दी आ जाती हूँ, लेकिन आज मुझे ना काफ़ी देर हो गई क्योंकि आज मुझे घर में कपड़े धोने थे, तो वो मैं रात को भिगो दिए थे मैंने कपड़े ना। जाहिर है हम हाथ से कपड़े धोते हैं अपने घर के, तो अभी वो वैसे ही भीगे हुए हैं। आप ही आप जानते हैं, आप ही की तबीयत ठीक नहीं रहती है, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। पहले तो वो ही करती थी, मैं तो सिर्फ बाहर ही करती थी, लेकिन अब जब से उनकी तबीयत ख़राब हुई है तो अभी सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है। तो बस अभी पहले हम टमाटर काट लेते हैं। पहले तो वैसे मुझे प्याज काटनी चाहिए थी, लेकिन बस जो हाथ में आया मैंने वही कर दिया। ये देखें कितने खूबसूरत लाल रसीले हमारे टमाटर हैं। ये मेरी दोस्त हैं एक, आगे जहाँ मैं कोठी पे काम करने जाती हूँ ना, उनका टमाटर उगते हैं उनके खेत में। वैसे तो उनका ने घर में ही खेती की हुई है, तो थोड़े बहुत मैं उनसे मांग के ले आई थी कि आज आप मुझे अपने बगीचे से दे दो टमाटर। तो मैंने कहा आज तुम्हारे बगीचे का ट्राई करते हैं कैसा है टमाटर। हमारे टमाटर कट चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो चले बस अब हम प्याज काटेंगे। ये देखिए प्याज, प्याज बरसात है, मौसम में बरसात की वजह से ना, पर प्याज थोड़ी ना फीकी पड़ गई है, ये देख सकते हैं आप। प्याज काटेंगे तो मैं जो है प्याज को बारीक बारीक काट लूंगी। मेरी आप ही की दुआ कीजिए, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा हुआ है उनके, लेकिन हमारे पास अभी बंदोबस्त नहीं हो पा रहा पैसों का, इसलिए हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था। लेकिन अभी एक साल होने को आ गया है हमारे चैनल को, आप लोग उन्हें प्यार नहीं दे रहे ना। चले ऐसे ही करके सारी प्याज हम काट लेते हैं। ये देख सकते हैं आप प्याज कट रही है हमारी। प्याज बहुत कड़वी है, ये आंखों में चुभती है, गीली प्याज कड़वी होती है। ये देखें छिलके उतर रहे हैं प्याज के। ये देखिए जी प्याज हमारी कट चुकी है, बस ये प्याज थोड़ी गीली थी इसलिए इसको काटने में टाइम लगा। इसके बाद हम आलू काटेंगे अपने। प्याज फाइनल हो चुकी है हमारी कटिंग, अब हम आलू काटेंगे अपने, इसे साइड पे रख देंगे, हम अपने आलू काटेंगे।
कभी भी आप खाना बनाएं तो उसके लिए लाल आलू का इस्तेमाल करें। लाल आलू सालन के हिसाब से बिल्कुल ठीक होते हैं, दूसरे वाले आलू मीठे होते हैं। अगर आपके पास दूसरे वाले आलू हों जो सफ़ेद आलू होते हैं, अगर वो भी हैं वो भी हों तो कोई मसला नहीं। उसको खाना बनाने से पहले आप 15 मिनट में पानी डालकर, नमक मिले पानी में डालकर आप उसको 15 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप उसको कटिंग करें तो सारी नमकियात उसकी दूर हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं आप, अब हम आलू काट रहे हैं अपने सारे, और पतले पतले छीलना है अपने। जो बिगिनर्स होते हैं वो उनसे थोड़े मोटे मोटे छीलते हैं, जिस वजह से आलू जो है आलू की मिकदार कम हो जाती है। मैंने हरी मिर्ची भी इसके अंदर ढंडर उतार के इसका इसमें डिप कर दी है। अब हम इसमें जो है तेल, अपना पतीली रखी है चूल्हे पे, और इसमें हम तेल डालेंगे अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हंसबे जाएगा जितना आपको खाना हो। तेल हमने शामिल कर दिया इसमें, तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद इसमें हम अपनी प्याज शामिल करेंगे। देखिए तेल हमारा गर्म हो रहा है, देखिए हमारा तेल गर्म हो गया। हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे अपना। मैंने इस तरह छोटे टुकड़ों में करके काटा है इसको, भूखे हैं घर में, ये सबको जल्दी खाना देना है घर में। देख सकते हैं ये, देखिए हमारी प्याज भी है फ्राई हो रही है। हमने ना तो ज़्यादा ब्राउन करना है प्याज को, और ना ही जो है ज़्यादा हमने लाइट रखना है अपनी प्याज का कलर। बस हल्का सा पिंक हो जाएगी प्याज, प्याज को पिंक करना है हमने। प्याज पिंक हो जाएगी तो उसके बाद हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे, और अपने जो मसाले वगैरह होंगे वो शामिल करके फ्राई करेंगे। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से ये सिर्फ पिंक हुई है, अभी हम इसको और पकाएंगे। प्याज हमारी पिंक हो चुकी है, अब हम इसमें अदरक लहसुन शामिल करेंगे अपना ज़रूरत के मुताबिक, और इसे तब तक पकाना जब तक इसकी स्मेल दूर ना हो जाए। ठीक है, अभी हम इसे और पकाएंगे ताकि हमारा अदरक लहसुन जो है अच्छे से इसकी स्मेल निकल जाए अदरक लहसुन की, और प्याज भी अभी हमारी और फ्राई। तो ये देखिए हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है, अब इसमें टमाटर शामिल करेंगे। अब हम ये देखिए गलने वाले हैं, टमाटर एक भाप में गल जाते हैं। मैं आपको कुछ मसाले दिखा देती हूँ जो हम इसमें शामिल करेंगे। ये देखिए इसके अंदर हमने नमक डाला है, और इसमें हमने नमक डाला है, एक ये इसको क्या कहते हैं, दालचीनी है ना, इसे दालचीनी कहते हैं, इसमें इसको दालचीनी है। आधा चम्मच हमने इसके अंदर पिसा हुआ धनिया डाला है, 2 चम्मच हमने पिसी हुई मिर्ची डाली है, थोड़ी सी हल्दी है शामिल इसके अंदर। तो बस डाल देते हैं इसको, ये सब
शामिल कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जीरा भी है, थोड़ा गरम मसाला है, कोई इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला, सारे वही बेसिक मसाले हैं। जो बेसिक मसाले हम रेगुलर यूज करते हैं, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाला ना जले। ये देखिए, इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से। हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से और उसको यूं ही तेज आंच पर पकाएंगे ताकि हमारे टमाटर जल्दी गल जाए। तो आज विलेज में धमाका होने वाला है। दो मिनट इसको कम आंच पे हम पकाएंगे ताकि दम हो जाए। शामिल कर रहे हैं, हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है, करेंगे मसाले के साथ। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है, देख सकते हैं आप सब व्यूअर्स, आप सब देख सकते हैं। ऐसी विलेज में हंगामा। ये देखिए, मसाला तकरीबन भुन चुका है हमारा और अच्छी तरह भुना है। तो दो मिनट तक हम ऐसे फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसमें पानी डाल के इसको पकने छोड़ देंगे। पानी शामिल कर देते हैं और साथ ही ये हरी मिर्च है ये भी डाल देंगे इसके अंदर। इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि हमारे आलू अच्छे से गल जाए। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए पानी मुझे कम लग रहा है, थोड़ा सा और पानी शामिल करेंगे इसको। टैंकी है यहाँ पर। अब इसको हम ढककर कम से कम 15 से 20 मिनट पकाएंगे। जब आलू गल जाएंगे तो हमारे आलू रेडी, आलू का सालन हमारी या आलू की कतलियाँ जो भी आप कह लो इसको तैयार है। उसके बाद इसको हरा धनिया के साथ इस पर काट के इसको सर्व करेंगे। उबाल आने देंगे, इसमें उबाल आ जाएगा इसको ढक के, फिर हम अच्छे से पकाएंगे।
जब तक हम अपना धनिया काट लेंगे। ये देखिए ये थोड़ा सा धनिया बचा हुआ था तो मैंने कहा यही डाल लेते हैं आज ना। देख सकते हैं इस तरीके से धनिया हमें बिल्कुल बारीक बारीक काटना है। कुछ लोग इसकी डंडियां जो होते हैं वो फेंक देते हैं, लेकिन हमारी अम्मी जो थी वो कहती हैं कि हरे धनिए की खुशबू और ताजगी उसकी डंडियों से ही आती है। आप पहले थोड़ा सा उसको ऊपर का ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा काट के निकाल दीजिए, लेकिन बाकी आप धनिए में शामिल करें, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और फ्लेवर भी काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। चूल्हे को कम करेंगे हम और इसे कुछ देर के लिए पकने छोड़ दें। तो चलिए जी, हमारी माशाल्लाह सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आलू की कतलियाँ देसी स्टाइल में पक्के तैयार हो गई हैं। ये देख सकते हैं आप, अब हम इस पे धनिया डालकर इसको बस खाते हैं। ये देखिए, और ये मेरी छोटी मुन्नी बैठी हुई है, मुन्नी को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, दुआओं की दुआएं दीजिएगा मेरी गुड़िया को। ये अभी मैंने आते ही बस किचन के अंदर अपने पकाने लग गई, मैं अपने बच्चों को मैंने तैयार नहीं करा, अपने बस अभी हाथ में धुला के मिला के इनको छुपे छुपड़े पिलाएंगे हम। ये देख सकते हैं बस हमारा बस हमारा आज का व्लॉग बस यहीं तक था, और मिलते हैं अगले नए नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह दे गुड बाय। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ पूरी वीडियो पूरी देखा करें प्लीज़।